बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रमा शर्मा। कहाँ से आए हैं जी आप? गांव सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 16 जून 2018। 2018 में आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? हाँ जी। लेकिन 2014 से ही संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो उनसे नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? जी मैंने उनका सत्संग सुना और उनके सत्संग से प्रभावित होके लोगों के अनुभव भी सुने, जो जो उनको लाभ हुए उनको देख के फिर मैंने भी नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं आम भक्ति करती थी जैसे सारे लोग करते, वैसे तो मैं शिव जी भगवान की भक्ति करती थी और जैसे व्रत वगैरह लेना सारा भक्ति करती थी और पूजा भी सारी करती थी, पर मेरे को उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। क्या किसी साधु संत से भी जुड़े हुए थे आप? नहीं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली, कैसे मालूम चला आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे मेरी बुआ है उनसे पता चला, उनके घर हम मम्मी के साथ सत्संग पे गए थे, वहाँ मैंने सत्संग सुना और तभी फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं भी सत्संग, मतलब वहाँ पे जब लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे लाभ हुए हमारे को, फिर मैं PGI से मेरा इलाज था चला हुआ, फिर उन्होंने बोला कहते आप ही ले लो, फिर मैंने सोचा कि मैं इनके नियम नहीं कर पाऊँगी, फिर उन्होंने बोला कहते आप पहले थोड़े दिन देख लो, अजमा लो, अगर फ़र्क पड़ेगा तभी लेना आपने। फिर मैंने 17 जून को नाम दीक्षा ली। नहीं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी पड़ी? क्या आपको पता था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है? हाँ जी। उसके बाद भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? हाँ जी। मैं बहुत परेशान थी, बीमारी से बहुत जूझ चुकी थी, मेरे को 3 साल हो गए थे लगातार प्रॉब्लम से, मेरे को ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है और 3री स्टेज पे चला गया था मेरा कैंसर, मैं बहुत परेशान थी और घर वाले भी कोई साथ नहीं दे रहे थे। कैंसर की प्रॉब्लम थी आपको? हाँ जी। कहाँ पे दिखाया था आपने कैंसर? सर मेरा इलाज IGMC था चला हुआ। ये कहाँ पे है? शिमला स्नोडन से। इसके अलावा? इसके अलावा मेरा एक ऑपरेट हुआ था 2 साल पहले, उसके बाद ऑपरेट के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद 9 जनवरी को मेरा ऑपरेट हुआ था, उसके बाद 15 दिन के बाद फिर मेरे को दोबारा से और गिरटियाँ शुरू हो गई, पहले एक में थी फिर दूसरे में भी चली गई। डॉक्टर्स का क्या कहना था? डॉक्टर का कहना था ये कि फ़र्क पड़ जाएगा, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेट की डेट ही मैंने मना कर दी कि मैंने नहीं करवाना ऑपरेट, फिर मैं दवाइयाँ खाती रही, उसके बाद फिर मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई, फिर उसके बाद मैं PGI चली गई। PGI जाते फिर मैंने 1 हफ्ते दवाई खाई, उससे भी मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसी के बाद मैं उसी के बीच में सत्संग गई थी, वहीं मैंने सत्संग सुना और फिर 2 दिन मैंने जाप किए, संत रामपाल महाराज जी के जाप किए, जोत नहीं जलाई थी मैंने क्योंकि मैं इनके नियम नहीं कर पाऊँ, मैंने ऐसा सोचा था। फिर उसके बाद नाम लेने के बाद फिर बुआ की कॉल आई, कहते भैया आप कैसे भक्ति कर रही हो? फिर मैंने बोला मैं क्या भक्ति तो मैं कर रही हूँ पर मेरे नियम नहीं हो पाएंगे, मेरे को शायद मुश्किल ही लग रहा है कि मैं निभा पाऊँगी। फिर उन्होंने बोला मेरे को कि आप जोत जड़ाओ, दंडवत करो, उससे लाभ होगा आपको। फिर मेरा 19 को ऑपरेट होना था PGI में, फिर मैं गई थी PGI। फिर उसी दिन ये बुआ वगैरह भी चंडीगढ़ गए थे तो इन्होंने बोला कहते हम जा रहे हैं रोहतक, और मेरी डॉक्टर उस दिन अचानक छुट्टी पे चली गई, कहते अगर तैने भी आना तू भी चल मेरे साथ। फिर मैं उसी दिन इनके साथ रोहतक चली गई, फिर उस दिन मेरे को इतनी शक्ति आई कि मैं नंगे पाऊँ पूरे रोहतक में चली, और बिल्कुल जहाँ मैं एक कदम नहीं चल पाती थी वहाँ मैंने पूरा रोहतक नंगे पाँव से चली। और उसके बाद जब मैं घर आई मैंने दवाइयाँ उसी टाइम से बंद कर दी थी और मैंने जोत भी जलाई, मर्यादा में भक्ति भी की, फिर मेरे को 25 दिन में पता चल गया और मेरी सारी प्रॉब्लमें दूर हो गई। जो ऑपरेट होना था उसकी भी डेट आगे चली गई और फिर जब मैं दोबारा गई PGI फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी वो मेरा कैंसर ख़त्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल ही अपने आप में असंभव बात है, लोगों का विश्वास करना इस बात पर बिल्कुल नामुमकिन है। दरअसल हमें भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि बगैर किसी दवाई के आपका कैंसर ठीक हो गया, जबकि आप बता रहे थे कि तीसरे स्टेज पे थे आप। हाँ जी, मैं जो भी मेरे को सुन रहे हैं मैं सुनने वालों को यही बताना चाहूँगी कि जो लाभ मेरे को हुआ आपको भी हो सकता है, भगवान संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो। बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के कैसे ठीक हो सकता है? किसी मंत्रों के जाप करने से कैंसर का ठीक होना तो कोई भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएगा। सर मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि आप संत रामपाल महाराज जी के सत्संग सुनो, उनकी शब्द वाणी सुनो, उसी से आपको पता चल जाएगा।
और उनकी भक्ति मर्यादा में करो। अगर कोई व्यक्ति ये वेरीफाई करना चाहे कि आपको कैंसर था तो कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता चल सकता है कि आपको वाकई कैंसर था? सर मेरे पास सारी डिटेल है, सारी रिपोर्टें, मैं उनको दिखा सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ। सर ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, जो मेरा पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ था, मेरे पेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। उसके बाद मेरे जो ब्रेस्ट में प्रॉब्लम थी 3 साल से चली हुई, ये उसकी क्लियरेंस की रिपोर्ट है, ये उसका अल्ट्रासाउंड है। इसमें मेरे सारे टेस्ट है, जो भी मेरे टेस्ट हुए इसकी सारी रिपोर्ट है, ये सारे ठीक है और मेरा शरीर अब बिल्कुल ठीक है। मैं सभी सुनने वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप एक बार संत रामपाल जी का सत्संग सुनो और उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और जीने की राह पढ़ो, उसे आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। उन डॉक्टर से मिल सकते हैं हम? क्या किसी डॉक्टर का नाम याद है आपको? हाँ जी, पहले मेरा शुरू से डॉक्टर बनर्जी से इलाज चला हुआ था रिपन में, फिर उसके बाद IGMC, फिर PGI में डॉक्टर दिव्या में मेरे डॉक्टर थे, वहीं से मेरा इलाज चला हुआ था। पर अब मेरी सारी दवाइयाँ 7 महीने से सब कुछ बंद है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम डॉक्टर्स का क्या कहना था जब उन्होंने दोबारा टेस्ट किया तो? उनका ये रिएक्शन था कि ये तो चमत्कार हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। हालांकि मैंने उनको ये बोला कि मैंने दवाई कंटिन्यू खाई है सर, बाकी मैंने कुछ नहीं बोला। आपने डॉक्टरों को झूठ बोला कि आपने दवाइयाँ खाई है, लेकिन आपने कोई भी दवाइयाँ नहीं खाई थी? खाई थी, मैंने 17 जून से ही दवाई खाना बंद कर दी थी, तब से मैं एक भी गोली नहीं खाई हूँ और अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ। लाभ मेरे को बहुत हुए हैं सर से, संत रामपाल महाराज जी से। पेट में पेन थी वो भी ठीक हुई है, ऑपरेट हुआ था पेट का वो भी सक्सेस रहा। उसके बाद मेरा जो दूसरा ऑपरेशन होना था ब्रेस्ट का वो भी नहीं हुआ। लेकिन वो लोग तो बहुत हैरान हो जाएंगे जो लोग ये कहते हैं कि वो संत तो जेल में है, वो दूसरे लोगों को क्या लाभ देगा जबकि आपका तो कैंसर ठीक हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, उन पुस्तक को पढ़ो, उसी से आपको ज्ञान हो जाएगा। और क्या आपको ये भी लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप नहीं जाते और किसी दूसरे संत की शरण में जाते तो भी आप ठीक हो सकते थे? नहीं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती थी क्योंकि मैंने बहुत पूजाएं की, बहुत जादू टोना बहुत था, उसका निवारण भी किया, बहुत कर्जा किया वह लोगों से इसी के लिए ताकि मैं ठीक हो सकूं, पर मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी की शरण जाने से मेरा परिवार, मेरा शरीर सब कुछ ठीक है, मेरे बच्चे सब कुछ ठीक है, नहीं तो मेरे घर में रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े और मैं रोज़ कभी कहाँ दर्द, उन सब से मेरे को छुटकारा मिला। मैं सभी सुनने वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी की शरण में जाओ, उनके जो नीचे पट्टी आती है वहाँ पे नाम पढ़ो, फ़ोन नंबर लो, ज्ञान गंगा पुस्तक लो, जीने की राह लो, उसमें पढ़ो, उसी से आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं और वो लाखों रुपए पानी की तरह बहाते हैं लेकिन फिर भी उनका इलाज नहीं हो पाता, ठीक नहीं हो पाते हैं वो, लेकिन आपको तो केवल मंत्र जाप करने से लाभ मिल गया। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी कैंसर से पीड़ित हैं? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सच्ची भक्ति करो, सत्संग सुनो, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शब्द वाणी सुनो, उसी से आपको लाभ हो जाएगा। मैंने भी 2 दिन सच्चे मन से शब्द उच्चारण किया था, मंत्र जाप किया, उसी से मेरे को 25 दिन में लाभ मिला। तो लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अभी भी आपका संत रामपाल जी महाराज में उतना ही विश्वास है? जी वैसा नहीं, उससे ज़्यादा विश्वास है। जब मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो गया, 7 महीने पहले मेरी इतनी स्थिति थी कि मैं 3 महीने लगातार बिस्तर में थी, यहाँ तक कि मैं जॉब भी नहीं जा पाती थी। जब से मैंने नाम दीक्षा ली तब से मैंने जॉब भी ज्वाइन शुरू किए दोबारा से और अपने बच्चों के लिए हर एक तरह से खाना भी नहीं बनता था मेरे से, कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद मैं हर एक काम करती हूँ और जॉब भी जाती हूँ। जी धन्यवाद।